भारत में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की व्यापकता के साथ खाने के पैटर्न के बारे में बहुत चर्चा हुई है और होल फूड प्लांट बेस्ड आहार अब सभी पुराने गैर संचारी रोगों के लिए नया दिशा निर्देश है। यह सुझाव धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से स्थापित हो रहा है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और रोगियों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पौधे आधारित दृष्टिकोण का क्रियान्वयन समान रूप से बह रहा है। बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल की कॉस्ट के साथ सिक केयर मॉडल से वेलनेस केयर मॉडल में संक्रमण की आवश्यकता है, जो पुरानी बीमारियों की रोकथाम और प्रबंध पर जोर देती है। फिजिशियन एसोसिएशन फॉर न्यूट्रिशन इंडिया पैन इंडिया ने हाल ही में एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन पर एक सम्मेलन में इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे पौधे आधारित आहार हमारे जीवन शैली के लिए आवश्यक हैं। इस सम्मेलन में डॉक्टर संजना एम सिकरी, कार्यकारी निदेशक, डॉक्टर रंजीना शाहीन, चिकित्सा निदेशक और डॉक्टर आशीष सबरवाल, सलाहकार ने पैन इंडिया को संबोधित किया। पैनलिस्टों ने पैन इंटरनेशनल के संगठन, उनके मिशन, उनके द्वारा संचालित कई देशों में किए गए प्रभाव और निश्चित रूप से पैन इंडिया के लिए उनकी योजनाओं पर प्रकाश डाला है। पैनलिस्टों में पैन इंटरनेशनल के संगठन, उनके मिशन, उनके द्वारा संचालित कई देशों में किए गए प्रभाव और निश्चित से पैन इंडिया के लिए उनकी योजनाओं पर प्रकाश डाला है। इंडिया में स्टार्ट हुआ ये पैन इंटरनेशनल का नेशनल ब्रांच है। पैन इंटरनेशनल का मेन फोकस हमेशा रहा है मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को एम्पावर करना न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि जो मेडिकल करिकुलम है पूरी दुनिया में देखा गया है कि हर कंट्री के मेडिकल करिकुलम में न्यूट्रिशन पे इतना फोकस नहीं दिया गया। और आजकल की जो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर जो चल रहा है, जिसका कि इंडिया में हर 10वें बंदे को हाई ब्लड शुगर है, हर 4थे बंदे को बीपी की शिकायत है, तो इस सब को कैसे होल फूड प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ज़्यादा फोकस दवाइयों से हटा करके अगर अपने न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल पे फोकस किया जाए तो ये सारी बीमारियां रिवर्सिबल है। तो इसी करके हम लोग इस तरीके से हर मेडिकल कॉलेज में अप्रोच कर रहे हैं, स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं, फैकल्टी से बात कर रहे हैं, मेडिकल डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं किस तरीके से हम उनके लाइफस्टाइल में बदलाव लाए अपने मरीजों का, क्योंकि जो डॉक्टर्स है वो दे आर द एपेक्स ऑफ हेल्थ केयर, उनको एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता है। आजकल जो मीडिया में इतना सारा मिसकम्युनिकेशन, मिथ्स सारे फैलाए जा रहे हैं न्यूट्रिशन को लेकर के, बट डॉक्टर्स कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ देयर पेशेंट्स। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करना, मेडिकल स्टूडेंट्स को अभी से ट्रेन करेंगे तो आगे जा कर के वो न्यूट्रिशन इंटरवेंशन को इंटीग्रेट कर पाएंगे हेल्थ केयर सर्विसेज में। हमें उससे फ़ायदा होता है और जो खाना हम खाते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट उसी से ही ज़्यादातर बीमारियाँ होती हैं। तो खाने में क्या न्यूट्रिशियस है, क्या हमें खाना चाहिए और बिल्कुल सोच समझ के हमें कितना मॉडरेशन में कितना खाना चाहिए, ये सब आपको बताएंगे ये। और इंडिया हैज़ बिकम द कैपिटल वर्ल्ड ऑफ डायबिटीज़, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नॉट बीइंग मैनेज्ड प्रॉपरली। एंड आई वुड जस्ट सजेस्ट दैट लाइफ should not be long, it should be disease free in fact, and the mission should be to make evidence based knowledge and concepts unraveled by science to be known to the masses so that they can lead a healthy, happy and fulfilling life. I'm sure this session will bring a positive change in your life in eating behavior and go a long way in building a healthy nation. And ab main फिजिशियंस एसोसिएशन फॉर न्यूट्रिशन इंडिया की जो टीम है उनको हैंड ओवर करती हूँ, वो आपको इसके बारे में और NBC News के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।